हेलो एवरीवन, वैकेंसी गेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। इसमें बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पोस्ट है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो सब आप जान सकें। अब इसका डिटेल्स क्या है वो देख लेते हैं। NISCL यानी कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। इसमें टोटल 450 वैकेंसी है। इसमें एप्लीकेशन फी कितना लगेगा वो देख लेते हैं। जनरल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी लगेगा 850 रुपीज। SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी लगेगा 100 रुपीज। एप्लीकेशन फी ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा 1 अगस्त 2023 की डेट से और अप्लाई करने का लास्ट डेट है 21 अगस्त 2023। इसका एग्जाम होगा सितंबर 2023 में। इसमें अपर एज लिमिट है 30 इयर्स। एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है एज पर रूल। इसमें जो कैंडिडेट ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें पूरे डिटेल में बता दिए हैं। ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है 27 जुलाई 2023 को। अब इसमें पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स देख लेते हैं। रिस्क इंजीनियर्स में 36 वैकेंसी है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स भी बता दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स में 96 वैकेंसी है। लीगल में 70 वैकेंसी है। अकाउंट्स में 30 वैकेंसी है। हेल्थ में 75 वैकेंसी है। IT में 23 वैकेंसी है। जर्नलिस्ट में 120 वैकेंसी है। तो टोटल इसमें 450 वैकेंसी है। अब इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है इंजीनियरिंग में और लॉ में वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें 60% मार्क्स होना चाहिए। इसमें अपर एज लिमिट है 30 इयर्स। एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है एज पर रूल। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। इसमें पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, उसके बाद मेन एग्जाम होगा और फिर इंटरव्यू होगा। प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा 100 मार्क्स का। टाइम ड्यूरेशन है 60 मिनट। सब्जेक्ट देख लेते हैं। इसमें है इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मेन एग्जाम होगा 200 मार्क्स का। टाइम ड्यूरेशन है 150 मिनट। क्या क्या सब्जेक्ट है वो भी देख लेते हैं। इसमें है रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और उसके बाद इंटरव्यू होगा। इसमें SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी लगेगा 100 रुपीज और अदर्स कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी लगेगा 850 रुपीज। एप्लीकेशन फी ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा। एप्लीकेशन फी रिफंडेबल नहीं है। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर भी बता दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन ही करना होगा। अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा जो कि है www.newindia.co.in। तो जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो या इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो वो जल्द से जल्द अप्लाई करना। अप्लाई करने से पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट विशेष।